हेलो फ्रेंड्स मैं हूं ये रुचि गोयल आज का अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे सेंट्रल टैक्स डीएसटी पे जो कि बहुत ज्यादा वेटेड थी बाय बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बहुत नोटिफिकेशन अगस्त है. है, को आई है ये नोटिफिकेशन क्या कहता है पहले ये देखते हैं उसके बाद में आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊंगी तो नोटिफिकेशन कहता है

इन रेस्पेक्ट ऑफ दी लेविड ऑन द पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाई डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब इंटरेस्ट जो लगेगा उस टैक्स पे जो आपने पे किया है वो उसी पर लगेगा जो जो टैक्स का अमाउंट आपने कैश लेजर को डेबिट करके किया है इसका मतलब साफ हो गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन कल आई है इसमें बता दिया है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो नेट टैक्स टिटी पे करना है मतलब अगर आपको 200 का टैक्स बनता था आप पे और 100 आपके आईटीसी में पड़ा था आपने आईटीसी लेजर से आपने 100 सेट ऑफ किया और बचा हुआ 100 ही कैश लेजर से पे किया तो आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो सिर्फ 100 से करना है फाइनेंस एक्ट 2019 से ये सेक्शन तो इंसर्ट हुआ लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कब से ये एप्लीकेबल होगा कल ये बताया गया है कि ये फर्स्ट सेप्टेम्बर ट्वेंटी से एप्लीकेबल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट से ये एप्लीकेबल हो जाएगा और थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तक आपका ग्रॉस बेसिस पे आपको पे करना होगा बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था ये सब बहुत बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा था टैक्स बहुत ज्यादा बन जाता है उस पर इंटरेस्ट भी बन जाता है तो इसलिए लोगों को टैक्स पेयर्स को बहुत इंटरेस्ट था इस नोटिफिकेशन पे क्योंकि ना की वजह से कई मंथ्स की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है लेकिन कई मंथ्स की नहीं भी हुई और आपको अगर विदिन ड्यू डेट आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो इंटरेस्ट देना पड़ता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जिस जो कि आज इस नोटिफिकेशन से क्लियर हुआ इस पर कल अपनी एक प्रेस रिलीज भी हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के थ्रू जिन्होंने ये डिक्लेयर की नोटिफिकेशन और उन्होंने प्रेस रिलीज के समय ये बोला कि ये जो एप्लीकेबल होगी वो हो, फर्स्ट जुलाई 2017 जी हाँ उन्होंने बोला फर्स्ट जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगी जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ तो उस दिन से उसके बाद बहुत क्योस हो गया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया सब लोग इस पर एक्सपेनेशन मांग रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा हुआ इस नोटिफिकेशन का जब फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी से ही एप्लीकेबल होना था तो हमें बताया कि क्यों रिकवरीज कैसे होंगी अब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया सबने बहुत डिमांड की कि आप इसको प्लीज रिकंसिडर करो सब हुआ उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो होगा ये फर्स्ट से ही एप्लीकेबल होगा कंफ्यूजन चल रहा था उसी पे आज

however it has been assured that no recovery shall be made for the past period as well as the central and state

अंजलि का हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अपने टैक्स पेयर्स का ऐसा नहीं है हम प्रोस्पेक्टिवली ही कर पा रहे हैं हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते इसलिए फर्स्ट लाइट 2017 से नहीं हो पाएगी क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं सीबीआई इस एक्सप्लेनेशन केम इन रिस्पांस टू असॉर्टमेंट ऑफ कमेंट्स इन सोशल मीडिया विद रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन डेटेड 25th अगस्त रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिलेट पेमेंट्स ड्यूज नेट लायबिलिटी विद इफेक्ट क्योंकि बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मांगा गया सबने पोस्ट कर दिया ट्विटर पे इसलिए फर्दर क्लेरिफिकेशन आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आज आपके साथ शेयर किया दो अपडेट्स हैं एक तो ये कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइनिंग ऑफ रिटर्न जो है वो अब नेट टैक्स लैबलिटी मतलब जो अमाउंट आप कैश लेजर से पे करेंगे क्रेडिट लेजर जो आपका इनपुट क्रेडिट लेजर होता है उसको निकालने के बाद तो उसका सेट ऑफ करने के बाद जो आप कैश लेजर पे करेंगे उसी भी लगेगा दूसरा ये है कि ये प्रोस्पेक्टिवली है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है फर्स्ट अपडेम में ट्वेंटी से ही एप्लीकेबल होगा उससे पहले ग्रॉस कैलकुलेट जाएगा लेकिन कोई रिकवरी नहीं होगी टैक्स के बेनिफिट के लिए अगर पुराना कोई ड्यू है उनका तो तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट से आप भी देखिए सबके साथ शेयर भी जरूर इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू